हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। गाइस, आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो एक ऐसे चैप्टर में से है जो कि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शान है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और गाइस, अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे आप ये पाओगे कि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 80% कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ही होता है। तो गाइस, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अगर हम टॉप 3 टॉपिक्स की बात करें जहां से सबसे वाइटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर कौन आता है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्योंकि इसके रेंज काफी वाइड है और यहां से काफी वाइड वैरायटीज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। और गाइस, अगर उसके बाद अपन बात करें रैंक 2 पर बात करें, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। क्योंकि गाइस, ये टॉपिक होता तो छोटा सा है लेकिन गाइस ये वो टॉपिक है, ये वो सेगमेंट है जहां से काफी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो और अगर इनके क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपको पता नहीं है तो आप कभी भी धोखा खा सकते हैं। तो गाइस, आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाए। और गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंड में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करेंगे जिनका यूज करते हुए यहां से जो बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस, स्टार्ट किया जाए। मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं इन मेटल कार्बोनिल्स के बारे में आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। गाइस, कार्बोनिल्स के बारे में आप हमेशा तीन बातें हमेशा ध्यान रखें। पहली बात, ये जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ये है क्या? ये जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, दीज आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। किसके? ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स वेयर कार्बन मोनोक्साइड सर्व्स एज अ लिगेंड। तो मतलब ये मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? दीज आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो गाइस, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? वैसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं। और ये किसके होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहां पर कार्बन मोनोक्साइड एज अ लिगेंड काम करता है, जैसे कि आपका NiCO4 हो गया, FeCO5 हो गया, इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है निकेल कार्बोनिल का, CO, 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 CO। और ऐसे भी डिफरेंट वैरायटीज के कार्बोनिल्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल कार्बोनिल्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। तो गाइस, इसको ध्यान रखें कि इन मोस्ट ऑफ द कार्बोनिल्स द सेंट्रल एटम इज इन इट्स 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। आप यहां निकाले 0, यहां भी निकाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है गाइस, अब तीसरी बात यह है कि जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो गाइज, क्या होते हैं ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? क्लास 12th हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वैसे कंपाउंड्स इन विच देर इज अ कार्बन मेटल बॉन्ड, मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बन मेटल बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, मतलब वैसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम डायरेक्टली एक मेटल से जुड़ा हुआ होता है। आप यहां पर देखें, ये जो कार्बन है दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ मेटल निकल,
ठीक है। तो गाइस ये तीन बातें मेटल कार्बोनिल्स के बारे में आप हमेशा ध्यान रखें। ओके गाइस, तो और हम बात करते हैं इनके बॉन्डिंग के बारे में। इनके गाइस बॉन्डिंग पे बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वाई मेटल कार्बोनिल्स, मतलब कि मेटल कार्बोनिल्स ही क्यों, वाई मेटल कार्बोनिल्स, मतलब ये आपको ये सुन करके थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास लाखों कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे कि एक्वा कॉम्प्लेक्सेस है जहां पर वाटर एज अ लिगेंड काम करता है, एमीन कॉम्प्लेक्सेस है जहां पर अमोनिया एज अ लिगेंड काम करता है, क्लोराइडो ब्रोमाइडो, मतलब दुनिया भर के कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो फिर ये मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग हमें क्यों पढ़ाई जाती है केवल? तो गाइस आप सुने जरा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाई मेटल कार्बोनिल्स। तो गाइस इसको समझने से पहले हमें कार्बन मोनोक्साइड जो कि लिगेंड के तरह काम करता है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। इस कार्बन मोनोक्साइड को अगर मैं खोल के लिखूं, ये कुछ इस तरह का होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, और इस पे होता है एक फॉर्मल नेगेटिव और इस पे होता है एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये CO जो है ना, ये भी एक्चुअली दीज आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कार्बन मोनोक्साइड के अंदर, मतलब कि जब ये आइसोलेटेड स्टेट में होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं, जब ये कार्बन मोनोक्साइड आइसोलेटेड स्टेट में होता है, तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो लगभग से 112 पिकोमीटर के आसपास होता है, और कई जगह पर आपको 112.8 पिकोमीटर भी दिख सकता है, 112 पिकोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज ये दिखाते हैं कि मेटल कार्बोनिल्स के अंदर ये जो CO बॉन्ड्स हैं, इनके बॉन्ड लेंथ, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ लगभग से 115 पिकोमीटर के आसपास होता है। मतलब ये जो CO का बॉन्ड लेंथ जो कि 112 पिकोमीटर के आसपास होना चाहिए था, वो इंक्रीज होकर के 115 पिकोमीटर के आसपास हो जाता है। ओके, तो गाइस इसको ना साइंटिस्ट पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिरकार ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्यों हुआ, मतलब ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बैक बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करना पड़ेगा, जो कि आप देखोगे कुछ ही मिनटों के अंदर। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि इनके अंदर बॉन्डिंग होता कैसे है। ओके गाइस, तो आप देखने जा रहे हो मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग होता कैसे है, ठीक है गाइस। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मान लेते हैं, निकल कार्बोनिल NiCO4, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, NiCO CO CO और इधर भी CO। तो गाइस ऐसा देखा गया कि मेटल कार्बोनिल्स के अंदर जो इस मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, इसके अंदर इट हैज बोथ सिग्मा एज वेल एज अ पाई कैरेक्टर। तो मतलब ये यहाँ पर जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड के जैसा दिख रहा है, इसके अंदर कुछ हद तक पाई कैरेक्टर भी होता है। ओके, तो आइए समझते हैं ये आया कहाँ से। तो गाइस मान लीजिए ये एक मेटल है, और इस मेटल का कुछ ये रहे कुछ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, और ये रहा आपका कार्बन मोनोक्साइड सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, और ये रहा कार्बन्स के ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसके अंदर होता कुछ ये है, आपको पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसे फॉर्म होता है, बाय लिगेंड टू मेटल डोनेशन। मतलब लिगेंड के पास में कुछ लोन पेयर्स होते हैं, और मेटल के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। लिगेंड एज अ डोनर काम करता है, और मेटल उन लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर पहले सीन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि मतलब
इस सीओ के पास भी कुछ लोन पेयर्स होते हैं। मान लीजिए मेटल का एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो होता कुछ ये है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस लोन पेयर फ्रॉम दिस कार्बन इज डोनेटेड टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मतलब बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है कि देयर इज अ ओवरलैपिंग ऑफ द फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड ए वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो मतलब ये जो बॉन्ड बना बाय लिगेंड टू मेटल डोनेशन, ये बॉन्ड कैसा है? दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है? दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और गाइस, अगर आप CO के कार्बन मोनोऑक्साइड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखोगे, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर, आप ये पाओगे कि CO के अंदर एक पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है विच इज एम्प्टी, विच इज वैकेंट, ठीक है। मान लीजिए ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, दिस इज द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब वो होगा ये जो मेटल के पास देयर विल बी सम फिल्ड ऑर्बिटल्स, मतलब मेटल के पास कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे भी होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। मतलब सारे ऑर्बिटल्स मेटल के वैकेंट थोड़ी होंगे, कुछ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी तो होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा। तो अब ऐसा हो सकता है और होता भी है कि मेटल के जो फिल्ड ऑर्बिटल्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे मे बी डोनेटेड टू दिस एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन मोनोक्साइड। इसके जो वैकेंट पाइस्टर एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स थे, इनके अंदर डोनेट हो सकते हैं। मतलब बेसिकली यहां हो क्या रहा है कि देयर इज अ ओवरलैपिंग बिटवीन द फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल विथ द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि जो कार्बन और मेटल और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बना, और ये बॉन्ड नेचर में कैसा है, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है, दिस इज एक्चुअली अ पाई बॉन्ड। इसको दो पाई बॉन्ड्स मत समझना, ये एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो आपने क्लियरली देखा कि जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा था ये मेटल और कार्बन के बीच का, उसके अंदर एक पाई बॉन्ड भी फॉर्म होता है। वो कैसे? बाय मेटल टू लिगेंड डोनेशन। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं? बैक डोनेशन या फिर बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द लिगेंड टू मेटल डोनेशन, लेकिन यहां पर ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कैसे हुआ? वो दैट इज फॉर्म्ड बाय द मेटल टू लिगेंड डोनेशन, जो कि बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो आप ये देखो कि जब ये मेटल और कार्बन में एक पाई बॉन्ड बना, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 और ये पाई 5। तो मतलब ये कि अपनी वैलेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जब ये पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, यहां से एक पाई बॉन्ड ये उठ करके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। गाइस, हमने ये देखा कि जब ये बैक बॉन्डिंग हुआ, जो मेटल कार्बोनिल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होता है, जिसको हमने ये सोचा था M मतलब मेटल सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो एक्चुअल में कैसा है? दिस इज एक्चुअली M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप ये देखें, जब ये बैक बॉन्डिंग हुआ तो हुआ क्या, इधर से एक लोन एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो मतलब आप क्लियर देख पा रहे हो, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड था, इट एक्वायर्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर,
और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था इट डिक्रीजेस, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। और आपको पता होगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए गाइस जब ये बैक डोनेशन होता है तो मेटल कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्यों, ट्रिपल डबल में कन्वर्ट हो गया। और इसीलिए गाइस जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ जो कि होना चाहिए था 112 पिकोमीटर वो 115 पिकोमीटर तक इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि जो बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन का इंक्रीज होता है वो क्यों होता है। ठीक है गाइस, और गाइस यहां पर एक टर्म आपको समझनी जरूरी है कि ऐसा कहा जाता है कि दिस बैक डोनेशन और दिस मेटल टू लिगेंड डोनेशन इट क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट, इट क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट। तो सिनर्जिक मतलब क्या होता है, अब देखिए आप, ये जो सिनर्जिक होता है इसका मीनिंग होता है वर्किंग टुगेदर फॉर अ सेम गोल। इसका मीनिंग क्या होता है, वर्किंग टुगेदर फॉर ए सेम गोल, मतलब जब दो लोग एक ही गोल के लिए एक ही मंजिल के लिए काम कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, सिनर्जिक। मतलब मान लीजिए एक टीम है और उस टीम के अंदर दो प्लेयर्स हैं, ठीक है, और एक बंदा है जो कि ईमानदारी से खेल रहा है और एक बंदा है जो कि चीट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों का एम क्या है, अपनी टीम को जिताना। तो मतलब बोथ आर वर्किंग फॉर अ सेम गोल, तो इसी को गाइस बोला जाता है सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए जरा, तो इस केस में जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म होता है, बाय लिगेंड टू मेटल डोनेशन ये वाला, और जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, बाय मेटल टू लिगेंड डोनेशन। गाइस ये जो सिग्मा बॉन्ड बना इसका एम क्या है, टू स्ट्रेंथन दिस मेटल कार्बन बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड बना इधर इसका एम क्या है, दैट इज ऑल्सो टू स्ट्रेंथन दिस एमसी बॉन्ड। तो मतलब हो सकता है ये अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं लेकिन दोनों का एम एक ही है, दैट इज टू स्ट्रेंथन दिस एमसी बॉन्ड। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि दिस बैक डोनेशन क्रिएट्स ए सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच स्ट्रेंथन्स द एमसी बॉन्ड एंड वीकेंड्स द सीओ बॉन्ड। मतलब जब ये एमसी वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है ये सीओ वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि ये ट्रिपल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइस, आई होप यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसकी पूरी बॉन्डिंग मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। ठीक है गाइस, और गाइस यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहां पर ध्यान से देखिए जरा, यहां पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बना, दैट इज बाय लिगेंड टू मेटल डोनेशन, ठीक है, और जो पाई बॉन्ड था वो कैसे फॉर्म हुआ, बाय मेटल टू लिगेंड डोनेशन। तो मतलब ये कि अगर हमें ये जो सीओ है इसके नेचर पे कमेंट करनी हो, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए जरा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड दिस सीओ इज एक्टिंग एज अ डोनर, एंड जब ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दिस सीओ इज एक्टिंग एज एन एक्सेप्टर। तो इसीलिए ये जो सीओ होता है दिस इज अ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर, या फिर इसको पाई
एसिड लिगेंड भी कहा जाता है। क्यों? आपको पता है लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? लुईस एसिड। ठीक है गाइस, तो यहां पर आपको एक और बात सुनी, ये देखा कि इस मेटल और कार्बन के बीच में एक बैक बॉन्डिंग काम कर रहा है जिसमें मेटल अपना लोन पेयर इधर डोनेट करता है। ठीक है गाइस, तो गाइस नाउ दिस एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, मतलब ये बैक बॉन्डिंग किस हद तक होगा, कितना स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा, कितनी आसानी से होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये सारा खेल मेटल के चार्ज डेंसिटी का है। मतलब इस मेटल के ऊपर चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, मतलब इस पे निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये आसानी से अपना बैक बॉन्डिंग दिखाएगा, और उतनी आसानी से ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड उठ करके उधर शिफ्ट करेगा। तो मतलब ये मेटल पे जितना निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, और इसके अंदर उतना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा, और इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से उधर भागेगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है गाइस, गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को आप लॉजिक्स के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं जिसका यूज करते हुए आप इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स सॉल्व कर पाएंगे। आप ये ध्यान रखें कि चार्ज ऑन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MC bond length and is inversely proportional to CO bond length। आप ये ट्रिक हमेशा याद रखें। मतलब ये कि मेटल के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा, MC मतलब मेटल और कार्बन का बॉन्ड उतना लॉन्ग होगा, लंबा होगा, और CO का बॉन्ड उतना छोटा होगा। तो मतलब ये, हाँ एक और चीज आप यहां पर ध्यान रखें कि जो चार्ज है यहां पर, दिस इज इंक्लूडिंग साइन, मतलब आप यहां पर साइन को भी कंसीडर करें। मतलब ये अगर किसी का चार्ज +1 है और अगर किसी का चार्ज -1 है, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो हम दोनों को इक्वल नहीं बोलेंगे। साइन को कंसीडर करते हुए दिस +1 विल बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो गाइस, तो आइए सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप पहले खुद से करने की ट्राई करें, फिर इधर सॉल्यूशन को देखें। ओके गाइस, तो आपसे बोला गया है कि चार कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास, CO, CO6 माइनस, Fe, CO6 2 माइनस, Mn, CO6 plus and NiCO4, NiCO4, this is a neutral complex। तो आपको यह बताना है कि CO का बॉन्ड सबसे लॉन्गेस्ट कौन से केस में है। तो गाइज ऐसे भी आप कर सकते हैं, और वैसे भी अगर आप ट्रिक लगाएं कि चार्ज ऑन मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO बॉन्ड लेंथ, मतलब जहां पर मेटल के ऊपर चार्ज जितना कम होगा, CO का बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा। आप क्लियर देख पा रहे हो यहां पर कि यहां पर जो मेटल है कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, बिकॉज दिस इज 0, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -1, और यहां पर -2, यहां पर +1, और इधर 0। तो आप क्लियर देख पा रहे हो, यहां पर आयरन के केस में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज मिनिमम, मतलब चार्ज सबसे कम है, मतलब यहां पर CO का बॉन्ड लेंथ जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप ध्यान रखें जरा, यहां पर आपसे बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा गया था, आपसे यहां पर मेटल कार्बन के बॉन्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा जा सकता है,
बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछा जा सकता है क्यों, और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, खुद से सॉल्व करें, और अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। ओके गाइस, आई होप आज का लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयर करोगे तो नॉलेज बढ़ेगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।